हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के अगले दिन अमावस्या पड़ती है। इस साल 8 अप्रैल 2024 को अमावस्या है। इस दिन भगवान शिव और नारायण श्री हरि की पूजा की जाती है, साथ ही पितरों का तर्पण भी किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार कालसर्प दोष, पितृ दोष और नाग दोष के निवारण हेतु अमावस्या तिथि को बहुत उत्तम माना जाता है। अतः हर अमावस्या पर कालसर्प दोष का निवारण किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं ज्योतिष आचार्य से कि किस प्रकार कालसर्प दोष के निवारण हेतु क्या उपाय करना चाहिए, जिनसे हमें कालसर्प दोष से निवारण मिल सकता है और इन सारी चीजों से बचा जा सकता है। इस वर्ष चैत्र मास की जो अमावस्या होने जा रही है, यह सोमवार के दिन होने जा रही है, इसलिए यह अमावस्या सोमवती अमावस्या कहलाएगी। और सोमवती अमावस्या का जो दिन है, और पितृ दोष की शांति के लिए, काल सर्प दोष की शांति के लिए और नाग दोष के निवारण के लिए अति उत्तम मानी गई है। इस दिन भगवान का हरिहर स्वरूप में भगवान नारायण का और भगवान शिव का हमको विधिवत पूजन करना चाहिए। भगवान का अभिषेक करें, षोडशोपचार भगवान का पूजन करें और षोडशोपचार पूजन के पश्चात भगवान के जो मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, मृत्युंजय मंत्र इत्यादि जो मंत्र हैं, इन मंत्रों का जप करें और जप के पश्चात इन्हीं मंत्रों से भगवान का हवन करना चाहिए। तत्पश्चात पितरों का तर्पण करना चाहिए और पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। असहाय जरूरतमंद व्यक्तियों को भी सहायता करना चाहिए। ऐसा करने से जो हमारी जन्म कुंडली में पितृ दोष है, वह पितृ दोष जो है वह समाप्त होता है, कम होता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसी प्रकार इस सोमवती अमावस्या के दिन काल सर्प दोष की शांति के लिए हमको नाग का पूजन करना चाहिए। जो नाग के जो मंत्र बताए गए हैं, उन मंत्रों का जप करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और बहते हुए जल में तांबे का या चांदी का जल, चांदी का जो सर्प है वह छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से काल सर्प दोष का जो प्रभाव है, काल सर्प दोष का प्रभाव ही समाप्त हो जाता है। काल सर्प दोष कब लगता है? जब हमारी जन्म कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, इन भावों में राहु और केतु इस प्रकार से विराजमान हो जाते हैं कि राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ जाते हैं और दूसरी तरफ जो है वह बिल्कुल रिक्त रहती है, खाली रहती है। तो काल सर्प दोष में राहु और केतु की छाया में सारे ग्रह आ जाते हैं और वह ग्रह अपने शुभ फल को हमको नहीं दे पाते हैं। वे काल सर्प दोष में राहु और केतु के द्वारा सारे ग्रह ग्रसित हो जाते हैं। ऐसा होने से जन्म कुंडली में इस प्रकार की स्थिति बनने से हमको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है, हमारी उन्नति नहीं होती है। कई व्यक्तियों के विवाह में बाधा आ जाती है, व्यापार में बाधा आती है, जीवन में बहुत सारा धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य होने के बाद भी व्यक्ति उन सब का उपयोग और उपभोग नहीं कर पाता है। काल सर्प दोष के कारण इस प्रकार के संकट और विपत्ति व्यक्ति के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को काल सर्प दोष के निमित्त नाग का पूजन करना चाहिए और नाग का पूजन करने के साथ साथ जो सर्प दोष के जो मंत्र हैं, दो तीन मंत्र हैं, जैसे ओम नव कुलाय विद्महे विश्वदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्, ओम क्लीम आस्तिकाय मुनि राजाय नमो नमः और भी कई अन्य प्रकार के मंत्र हमारे शास्त्रों में, वेदों में बताए गए हैं। उन मंत्रों का जप करना चाहिए और जप करने के पश्चात नाग नागिन का जोड़ा या चांदी का नाग या तांबे का नाग बना करके बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। ऐसा करने से काल सर्प दोष जो है वह समाप्त हो जाता है। चैत्र अमावस्या के दिन राहु और केतु के मंत्रों का जप करना चाहिए या ब्राह्मणों के द्वारा इन मंत्रों का जप कराना चाहिए, हवन कराना चाहिए। राहु की शांति कराएं, केतु की शांति कराएं। इस प्रकार शांति कराने से काल सर्प दोष की शांति होती है, पितृ दोष की शांति होती है, नाग दोष की शांति होती है और काल सर्प योग इत्यादि योगों के कारण, राहु केतु के कारण जो भी हमारे जीवन में आपत्ति विपत्ति संकट उपद्रव आकर के खड़े हो जाते हैं, इस प्रकार की शांति करने से, शांति कराने से ये सारे उपद्रव जो हैं वह समाप्त हो जाते हैं।